नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक लाख चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। ये जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूरी तरह गलत है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का भी कोई असर नहीं नजर आया। राहुल गांधी ने ये कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगी के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस को 2 सीटें देंगे। कांग्रेस को 2019 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। अधीर रंजन ने कहा था कि 2 सीट तो हमें तब भी जीत मिली थी, अब भी जीत सकते हैं, हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के चुनाव चुनौती देने का दम भर रहा था, लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल ममता के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।